Hey guys, assalamu alaikum. Welcome back to the channel. This is Sameer and you are watching MSQ Vlog. So guys, हम लोग हैं बिन सईद गोट फार्म पे. हमारे साथ है आमिर भाई और इनके छोटे भाई जरियाब भाई. माशाल्लाह अगेन अंडुल बकरे हैं तो जरियाब भाई की प्रेजेंस ज़रूरी है. डिटेलिंग में आमिर भाई रहेंगे. बड़े भाई जो है वो बड़े भाई का काम करेंगे, छोटे भाई जो है वो अपना काम बराबर कर रहे हैं. ठीक है. सो गाइज वीडियो को पूरा देखिएगा. वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले. शूट के रिगार्डिंग कोई इंक्वायरी है तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी, इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगा. मेल या डीएम करके आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आमिर भाई का नंबर स्क्रीन के ऊपर होगा, आप लोग इनसे भी मेरा नंबर ले सकते हैं. चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आमिर भाई खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह समीर भाई, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह. ये देखो माशाल्लाह अभी निकाले हैं कोटा बकरे और इनका अंडुल कलेक्शन माशाल्लाह. कितने बकरे हैं टोटल आमिर भाई? ये ज़्यादा नहीं है समीर भाई, 8 से 10 बकरे होंगे इंशाल्लाह. ओके जी. ये सब अपने ही फार्म के सेट है? अपने फार्म के सेट है, अपने पास के ही पले हुए. इसमें से कोई भी पलाई का बकरा नहीं है, पर्सनल है सब. जब सब ठीक है तो शुरुआत मैं बोलूँगा उससे कर दे, बड़े हथियार वाले से. कौन सी ब्रीड आएगी? ये मालवा क्रॉस जिंग है भाई. इसने क्रॉसिंग की तो परिभाषा ही बदल दिया है भाई. हाँ क्या किया है इसने? वाह वाह वाह. चेहरा लेके आया है मालवा का, हथियार लेके आया है जिंग के. क्या चीज़ है यार. वाह 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 माशाल्लाह. इसको अपने लास्ट टाइम शूट किए थे ना? जी बिल्कुल भाई. माशाल्लाह माशाल्लाह. कितने दांत पर है ये? 8 दांत हो चुके हैं. 8 दांत पर है. अब मत बोलना इसको पर्सनल में रखेंगे. इंशाल्लाह पर्सनल में ही रखेंगे. अरे यार तुम यार, तो ये सब बकरे भी पर्सनल में रहने वाले? ये सारे बकरे समीर भाई इंशाल्लाह पर्सनल में सब में रहेंगे. जी भाई कोई भी नहीं रहेगा इसके अंदर प्राइस ओपन. चलो ठीक है, पर्सनल में प्राइस रहेगा लेकिन रीजनेबल रहेगा. इंशाल्लाह रीजनेबल ही रहेगा. कुछ भी अनाप शनाप नहीं रहेगा? अनाप शनाप तो अभी तक बोले भी नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सही है. लाओ अभी दूसरा बकरा कौन सा दिखाएंगे भाई? ये देखिए, आओ. ये रूसी बरबरा है. रूसी बरबरा जी. ये कैसा होता, मतलब इसका क्या है, कैसे समझेंगे इसको? इसकी छाप, इसका कलर, इसके कलर से माना जाता है ये? जी भाई माशाल्लाह. कितने दांत पर है ये? इसने भी तकरीबन पूरे कर लिया है दांत. पूरे दांत कर लिया है? जी जी. ठीक है तो खूबसूरती के हिसाब से जाएगा, इसका वजन वगैरह तो मैटर नहीं करता इतना, है ना? इसकी नाक देखो, नकोटा देखो, इसका झालर देखो, इसकी ये देखो चेहरे की नाक. माशाल्लाह खूबसूरत बकरा है. लटकन वटकन भी बहुत अच्छी है इसकी जी. अच्छी झालर वालर वाला बकरा है. अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है इसके भी पर्सनल? जी भाई सब वैक्सीनेटेड है ना? वैक्सीनेटेड, फुली वैक्सीनेटेड. ठीक है चलो. कोटा, ये कोटा. इसकी रेंज में नहीं आ सकते अपन? ये इसके पास जाने का सोचता भी नहीं हूँ भाई मैं. ये तोड़ू है, तोड़ू आरोपी बकरा है. आरोपी तोड़ू है ये? तोड़ू है. चार लोगों को तोड़ चुका है अभी तक. क्या कर चुका है? चार लोगों को तोड़ चुका है. अच्छा यहाँ फार्म पे? फार्म पे भी. और ये असल में लास्ट ईयर का है. ओई तो ये करा, मतलब लास्ट ईयर का? देवनार में? देवनार में. मचा के आया हुआ? मचा के आया हुआ. अरे वाह सही है. तो इसकी रेंज में नहीं जा सकते लेकिन भाई बहुत खतरनाक बकरा है ये. कितने दांत पर है ये? 8 दांत हो गए इसमें. 8 दांत किया है. और वजन क्या होगा? किया है वजन इसका तकरीबन 65 जी. ठीक है पर्सनल में रहेगा ये? पर्सनल में रहेगा इंशाल्लाह. आओ जाओ. ये कौन सा है? ये मालवा. मालवा पिंक मालवा? गुलाबी. गुलाबी मालवा माशाल्लाह. ये भी करंट है? हाँ इसका नाम कोहिनूर है. क्या नाम है? कोहिनूर. कोहिनूर वाह. दांत कितने इसके? इसने भी पूरे दांत कर लिया समीर भाई. ओके और क्या वेट पर है ये? वेट इसका तकरीबन 65 to 68 होगा. 65 से 68 किलो. ओके ठीक है चलेगा. मैं अंदाज़ा दे रहा हूँ, मैंने इसको वेट अभी किया नहीं हूँ, बस अंदाज़ा दे रहा हूँ फिलहाल. तो कांटे की अगर कोई वीडियो मांगेगा तो कांटा मिल जाएगा ना इंशाल्लाह. जो भी रहेगा ऊपर नीचे जैसा भी रहेगा वैसा जो भी वेट होगा वो दिखा देंगे इंशाल्लाह. आ जाओ ये वाला देखते हैं. भाई इसको थोड़ा इस तरफ लो, बाहर खूटे के इस तरफ लो, संभालना. ये कोटा है बकरा. तो देखो बकरा, देखो समीर भाई, देखो इसका चेहरा, देखो इसका माशाल्लाह.
वाह क्या तैयारी लिया है भाई इसने, चमक वमक के साथ में बकरा तैयार हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कितने दांत पे, 8 दांत पा रहे? 8 दांत फ्रेश किया है। फ्रेश किया है जी। ठीक है, क्या वजन पे है ये? 8 दांत फ्रेश है और इसका वेट समीर भाई 95 हम लोग ने रमज़ान के पहले किए थे। कम भी हुआ हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अभी मैंने वेट नहीं किया हूँ, गर्मी की वजह से हो सकता है थोड़ा बहुत कम हो गया होगा। और पूरे रमज़ान भर में हम लोग ने इसको वेट किए नहीं है। लास्ट टाइम 95 था। तो जो भी आवे कांटे पे, कांटे पे है ना। ठीक है, प्राइस का वही पर्सनल में रहेगा इंशाल्लाह भाई। प्राइस नॉमिनली रहेगा, नॉमिनली रहेगा इंशाल्लाह। ठीक भाई, जैसा बकरा वैसा पैसा लेंगे, वैसा पैसा लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आ जाओ। ये क्या है? जेपी हंसा। सब बकरे तो ऐसे ही है भाई, एक से बढ़कर एक अवली। कौन सा बकरा शांत है बताओ? देखो सुने नहीं देता है वो। ये कितने दांत पे आमिर भाई? ये छठा दांत किया है। 6 दांत कर लिया है। मेंटेनेंस अच्छा है बकरों का? बकरों को नहलाते कितने दिन में एक बार है आमिर भाई? अभी गर्मी के हिसाब से तो भाई 4 दिन बाद दे ही रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, 4-4 दिन में बकरे नहला देते हैं, रिपीट हो जाते हैं नहलाने भाई। खस्सी अंडुल सब? खस्सी तो नहीं नहला रहे, अंडुल की बात, सिर्फ अंडुल की। सही है, बकरों की मेंटेनेंस अच्छी है, मतलब साफ सुथरे बकरे हैं माशाल्लाह। ये 4 दांत पे, 6 दांत, 6 दांत पे क्या वजन है ये? इसका वेट 65-70। ओके जी, प्राइस अगेन वही पर्सनल में रहेगी ना? रहेगा। ठीक है चलेगा। ओके आ जाओ, थोड़ा सा बकरों के लिए यहाँ से लाइट ये हो रही है। आहा, ये कौन सा बरबरा आएगा? अपना देसी है ना? और देसी बरबरा है ना, इंडियन बरबरा है ये। कितने दांत पे ये भाई? 8 कर दिया है इसने। 8 कर लिया जी जी। ठीक है, इसकी तो डिमांड बता दो भाई। इसका बॉडी वेट तकरीबन 69 kg के आसपास है। इसका तो बोल दो भाई। भाई इसका हम लोग मांग रहे 65,000। चलो यार माशाल्लाह, आमिर भाई के अंदर ये देखो, 2-4 बार बोलो तो ना नहीं बोल पाते ये ज़्यादा। कितना रहे? 65,000। कम ज़्यादा करेंगे? थोड़ा बहुत नेगोशिएबल है, ज़्यादा की गुंजाइश नहीं रहेगी। 69 kg का बकरा है जी, बर्बरी और ठोस बकरा है भाई। अभी कैसा है, लोग बोलते हैं कि भाई दिखता नहीं है, ये नहीं है, काटा करके दिखा देंगे वीडियो। इंशाल्लाह 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 भाई, वो बकरे मेरे को यहीं से शूट करना पड़ेंगे क्योंकि पीछे उधर आऊँगा तो अंधेरा आ जाएगा। नो प्रॉब्लम। थोड़ा बकरे को खूटे के इस तरफ लो। हाँ 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 ठीक है आमिर भाई, ये भी एक कोटा है माशाल्लाह, अच्छे कलर का बकरा है। क्या डिटेल पर है भाई? 6 दांत किया है भाई। 6 दांत कर लिया। वजन? वजन 60-65 बोलेंगे समीर भाई। ठीक है आमिर भाई, अंडुल बकरे रखोगे नेक्स्ट ईयर पलाई के लिए? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं समीर। सब पर्सनली रहेंगे, जो भी रहेंगे, जो भी रहेंगे पर्सनल रहेंगे इंशाल्लाह। कस्टमर का एक भी नहीं लोगे? कस्टमर का नहीं लेंगे। अच्छा सही है, इसके क्या प्राइस कोट कर रहे हैं? इसका इंशाल्लाह वीडियो बता दूंगा भाई कॉल पे। यार जरियाब भाई का शौक कैसा पूरा होगा फिर? जरियाब भाई के शौक के हिसाब से रखेंगे इंशाल्लाह, पर्सनल के हिसाब से भाई 10-15 अंडुल रखने का इरादा। भाई के शौक के रहेंगे जी। सही है, बहुत अच्छे। लाओ। हाँ हाँ हाँ, ये सुंदर गुलाबी गुलाबी कोटा, गुलाबी कोटा, सुंदर बकरा है माशाल्लाह, खूबसूरत बकरा है। अपने लास्ट टाइम जो आपके कोटे वोटो की वीडियो बनाए थे उसमें तो कुछ सेलिंग वगैरह हुई थी, बकरे बिके थे? अल्हम्दुलिल्लाह बिके थे जी जी। उस टाइम पे भी अपन ने पर्सनल रखे थे रेट। यस। तो लेकिन सेल हो गया था? सेल हुए। कितने बकरे बिके थे उसमें? उस टाइम पे 3 बकरे सेल हुए मेरे, बड़े बकरों में। बड़े बकरों में 3 बकरे बिके थे जी। क्या रेंज के बकरे थे, मतलब मेरे को एक अंदाजा बता रहा हूँ। उस टाइम पे जो बकरे मेरे बिके थे वो 90 kg का एक था, एक 102 किलो का था और एक 80 किलो का था। सब हैवी कैटेगरी के? हैवी कैटेगरी के अंडुल थे सब। तो सब सेल आउट हुए और यहाँ पे अपने पास रखे नहीं गए ना वो बकरे? नहीं नहीं नहीं, वो कस्टमर ले गए। कस्टमर ले गए। चलो माशाल्लाह। ये बकरे की क्या डिटेल है? ये आई गेस दांत चेक कर, 6 दांत, 6 दांत पे है भाई। 39 हाइट है, 38 बोल के चलेंगे। ओके ठीक है। और वेट में इंशाल्लाह ये 80-82 kg है। 86 बता रहे थे। 86 है। ओके अपन 80-85 पकड़ते हैं। 80-85 पकड़ के चलते हैं। 80-85 किलो पकड़ते हैं अपन माशाल्लाह। ठीक है, अच्छा बड़ा बकरा, हाइट वाला बकरा है माशाल्लाह जी। 39 के आप हाइट बोल रहे हो लेकिन मुझे तो थोड़ा ऊपर की दिख रही है, जो भी अपन कमी बोल के 39 बोल के भी मैं 38 लेके चल रहा हूँ भाई। ठीक ठीक है चलेगा। ओके, इसके बाद एक और जल्लाद बकरा है आपका, पीछे से आवाज़ आ रही है उसकी, वो भी दिखाएंगे अपन इंशाल्लाह। चले वहाँ पे जी। चलो सो गाइस, ये देखिए माशाल्लाह,
बकरे की गर्मी तो देखो। बाप रे, ये है कोटा। कोटा, जबरदस्त कोटा है ये। बाप रे बाप, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, क्या वेट पे रहे ये भाई? ये इसको भी समीर भाई सेम है। देखो रमजान के पहले 97 केजी था, अभी मैंने वेट नहीं किया हूँ तो 95 पकड़ के चलो। हो सकता है गर्मी की वजह से 1-2 किलो कम हुआ हो, या हो सकता है बढ़ भी गया हो। ठीक है, बहुत जोरदार बकरा है। जरा जरियाब भाई इसका मुंडा पकड़ो ऐसे। 8 दांत कर चुका है। ठीक है, हाइट 41 है भाई, मैं 1 इंच और कम पकड़ के चलूं। हाँ हाँ, कलर देख लो बकरे का भी, ये देखो माशाल्लाह। इस पूरे लॉट की बोलता हूँ ना, इस पूरे लॉट की आन बान और शान है ये। देखो ये देखो, माशाल्लाह माशाल्लाह। नो कंट्रोल, ठंडा हो गया यार, वो किक को चला गया तो ठंडा हो गया। क्या फायर था ना अभी थोड़ी देर पहले, माशाल्लाह। ठीक है, इसके भी प्राइस पर्सनल में रहेंगे इंशाल्लाह, पर्सनल में रहेगी भाई। ह्यूमन फ्रेंडली है बकरे, मारता नहीं है ना ये। मारेगा कभी भरोसा नहीं भाई, कोटा है। कोटा और मालवे का कोई भरोसा नहीं, भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी कर सकते है। ठीक है, ये देखो, आय हाय आय हाय, क्या बात है। वो देखो सुपर, 3-4 महीने पहले शूट किया, उसके बाद काफी कुछ चेंजेस आ गए इस फार्म पे इंशाल्लाह फ्यूचर में। आप खुद पर्सनली देख रहे होंगे समीर भाई, पिछले 3 महीने पहले बकरों की कंडीशन क्या थी और एट प्रेजेंट अभी बहुत अच्छी कंडीशन है जी, माशाल्लाह। स्पेशली मैं तो बोलूंगा खस्सियों में तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है। बकरे की झालर वगैरह देखो, देखो ना माशाल्लाह। इसका नाम वाम कुछ भी रखे, दिलावर, दिलावर सही है। ठीक है, इसके कुछ लास्ट वीडियो में अपन ने वीडियो डाले थे तो कुछ तो डिमांड लगी होगी, कस्टमर मांगे भी होंगे जी, जी, जी। तो का सौदा नहीं पटा के क्या पता, नहीं पता। अपने आसपास का रेट नहीं लगा? आसपास होता तो भी कर लेते इंशाल्लाह, आसपास का भी नहीं लगा, आसपास का भी नहीं लगा। चलो ठीक है, तो इंशाल्लाह भाई कोशिश करो आसपास पहुंचने की इंशाल्लाह। अभी टाइम ज्यादा नहीं बचा है, 2 महीना है ईद को। अच्छा, ये ईद तक के लिए पलाई पे कोई रखना चाहे तो अंडुल बकरे का ईद तक का कर लेंगे भाई। क्या पलाई ले लेंगे? 3,500 रुपये। 3,500 रुपये जी, ईद तक का। ईद तक पल्टी वल्टी वाला कोई भी बकरा नहीं रहेगा? पल्टी का कोई नहीं रहेंगे भाई। ठीक है, तो ये वीडियो क्लोज करें आमिर भाई। हाँ, नंबर स्क्रीन के ऊपर आमिर भाई का मैं दे दूंगा, आप लोग आओ देखो पसंद करो उसके बाद सौदा करो। आपके अलावा आप जैसे एवरीडे यहाँ पे अवेलेबल होते हो या फिर? मैं एवरीडे नहीं रहता हूँ, हमारे मोहम्मद भाई है वो एवरीडे यहीं पे है। मोहम्मद भाई रहेंगे यहाँ पे जी, जरियाब भाई भी रहते हैं ना, जरियाब भाई भी तकरीबन रहते ही है। ठीक है, तो दोनों भाई यहाँ मिलेंगे आपको जी, और आमिर भाई का नंबर स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा आपको, बाकी सारी चीज़ों के लिए ये नेविगेट कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।